देखिए, इस प्रकरण में तो HEC को जो मैंने कहा, तो HEC प्रबंधन ने बिल्कुल जो आगे HEC को जमीन मिली थी अपने फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री के बाद उनके वर्कर्स के रहने की जगह बनानी थी, कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए अलग अलग सामाजिक सुरक्षा के जो काम होते हैं वो करने थे, इसके लिए उन्होंने जमीन अधिग्रहण किया था। लेकिन ये शुरुआत पे आप उसके जड़ पे जाएंगे, यहाँ पे सारे विस्थापित लीडर्स भी हैं, इन लोगों की लड़ाई किस बात की थी? इनकी लड़ाई भी इसी बात की थी कि जिस लिए ज़मीन अधिग्रहण हुआ था उसके मूल कारण में अगर वो इस्तेमाल नहीं होता है तो वो ज़मीन मूल रैयत को वापस होनी चाहिए थी। तो ये लड़ाई उसी बात की है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये लड़ाई अगर उसी समय अगर ये न्याय हो गया होता या आज भी अगर हो जाएगा तो इस तरह की घटनाएं यहाँ पे नहीं होती। सर, अभी जो वार्ता हुई अंदर में, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई? देखिए, अभी तो बिल्कुल ही मिड लेवल के लोग यहाँ पे हैं जो IM की तरफ से बात कर रहे हैं, तो अभी कोई इसका हल निकला है ऐसी बात नहीं है। और जो यहाँ के ग्रामीण हैं जिनकी आस्था की बात है, ये सारे लोग मजबूती के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक इनको सड़क जो है कागज़ पे, जो कागज़ पे सड़क ऑलरेडी है और उसको अवैध तरीके से बाउंड्री वॉल किया जा रहा है, इसको हम लोग इस बात को माननीय मुख्यमंत्री के पास भी लेके जाएंगे। क्योंकि इस राज्य में ये परंपरा, ये झारखंड राज्य अलग क्यों हुआ था? ये अलग इसलिए हुआ था कि ये राज्य एक अलग राज्य है, यहाँ की परंपरा, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति बिल्कुल अलग है। इसीलिए उन्होंने 32 के खतियान को भी लागू किया है यहाँ पे। तो आज जो 32 के खतियान वाले लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनके 100 साल मतलब 1932 से पहले से जहाँ पूजा पाठ होते आया है उस चीज़ को छोड़ने के लिए नहीं जा रहा है। IM प्रबंधन भी इस बात को जान ले कि ये सोचेंगे कि हम यहाँ पे 100 या 200 हम फोर्सेस को रख के बाउंड्री वॉल करा ले रहे हैं तो ये काम नहीं होने के लिए जा रहा है। और वो अलग अलग ये लोग जो हैं, मैंने पहले भी कहा आपको कि ये सुरक्षा देने का भी काम करेंगे। ये नया सराय और नगड़ी के जो लोग हैं ये अच्छे काम में हमेशा सरकार का, अलग अलग लोगों का सहयोग करते आए हैं और आज भी सहयोग कर रहे हैं, कभी कहाँ विरोध नहीं हुआ था। लेकिन आज जब मंदिर जाने का रास्ता जो है उसको रोकने की बात आ रही है तब विरोध हो रहा है। और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकल जाता। सॉल्यूशन इसका एकमात्र यही है कि मंदिर तक जाने का, तालाब तक जाने का, मस्जिद तक जाने का सड़क जो है वो इंटैक्ट रहेगा, ऐसे ही रहेगा, गांव वालों के लिए रहेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।